जी स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस. सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस. मियोसिस सबसे पहले मैंने आपको बताया था मियोसिस क्या होता है. मियोसिस वो होते हैं जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं. ठीक है, कि जो पेरेंट्स से आगे जो ट्रांसफर होते हैं वो क्रोमोसोम जो ट्रांसफर होते हैं पेरेंट्स एज कम्पेयर टू क्या हो जाते हैं, हाफ क्रोमोसोम्स होते हैं. कि जो एक पेरेंट है, मदर से हाफ क्रोमोसोम्स आएंगे और फादर से हाफ क्रोमोसोम आएंगे. हैप्लोइड सेल मिलके क्या बनाएंगे, डिप्लोइड सेल. एक तो ये इसकी सिग्निफिकेंस होती है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन नेक्स्ट जनरेशन क्या रहते हैं, सेम रहते हैं. ठीक है, कि हर एक ह्यूमन बींग में कितने होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 पेयर होते हैं. अब 46 क्रोमोसोम में से 23 नेक्स्ट जाते हैं एक पेरेंट में से एंड 23 भी जाते हैं दूसरे पेरेंट्स में से. जिससे क्या होता है, जो आगे आने वाली नस्ल होती है, जो नेक्स्ट जनरेशन होती है, उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या रहते हैं, सेम रहते हैं. यहाँ पे एक बात क्लियर कर दूँ, माइटोसिस और मियोसिस में ये फ़र्क है कि जो माइटोसिस है वो विद इन द ऑर्गेनिजम्स और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को सेम रखता है. कि एक ही ऑर्गेनिजम्स के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को क्या रखता है, सेम रखता है. जबकि मियोसिस में ये है कि ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को सेम रखता है जनरेशन आफ्टर जनरेशन. के एक जनरेशन आने के बाद जो अगली जनरेशन आती है उसमें भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को क्या रखता है, सेम रखता है. एक ये मियोसिस की सिग्निफिकेंस होगी. दूसरी मियोसिस की ये सिग्निफिकेंस होती है कि ये वेरिएशन लाते हैं. वेरिएशन का क्या मतलब, चेंजेस लाते हैं. जिस तरह पेरेंट्स जो से जो पेरेंट्स हैं वो उनके जो बच्चे हैं, ऑफस्प्रिंग्स हैं, उनसे डिफरेंट होते हैं. और जो इवन के एक ही पेरेंट्स के जितने भी बच्चे होते हैं, सिबलिंग्स होते हैं, बहन भाई होते हैं, इवन के आपस में वो भी मिलते जुलते नहीं होते. उनके बॉडी फीचर, फेस के फीचर, आइज, नोज होते सबके एक जैसी हैं. लेकिन दो हाथ होते हैं, आंखें होती हैं, नाक होती है. लेकिन क्या होता है कि उनके बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है, जो बॉडी के फीचर्स होते हैं, वो क्या होते हैं, चेंज होते हैं. ये किसकी वजह से होता है, ये क्रॉसिंग ओवर की वजह से होता है. जो ड्यूरिंग एनाफेस क्या होती है, क्रॉसिंग ओवर होती है, क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, डीजनरेट करते हैं. तो ये है मियोसिस. अगर अब लास्ट में ये बात है कि अगर मियोसिस का फॉर एग्जांपल मियोसिस नॉर्मली सेपरेट माइटोसिस ना हो, क्रॉसिंग ओवर ना हो, तो इसमें क्या आ जाते हैं, एरर आ जाते हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले इसका पॉइंट है सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस में, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन सेम इन द नेक्स्ट जनरेशन. मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम नंबर इन द नेक्स्ट जनरेशन, कि नेक्स्ट जनरेशन में कैसे मेंटेन रखते हैं. दो हैप्लोइड सेल आते हैं, ये मदर से आया, ये फादर से आए. हैप्लोइड सेल मिलके क्या बनाते हैं, डिप्लोइड सेल, जिसे हम क्या कहते हैं, जाइगोट. ये जाइगोट आगे मियोसिस एंड माइटोसिस से डिवाइड करके एक नया इंडिविजुअल बनाता है. ठीक है, तो मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम कैसे होगी, मदर है, ऑब्वियसली मदर एक पूरा इंडिविजुअल है. इसमें भी क्या होंगे, 46 क्रोमोसोम होंगे या 23 पेयर होंगे. तो 46 में से 23 आएंगे इधर. ये फादर है, इसमें भी एक इंडिविजुअल है, तो इसमें 46 क्रोमोसोम होंगे एंड 23 पेयर होंगे. तो 46 क्रोमोसोम में से इसमें भी आएंगे 23. तो 23 मिलके एक पूरे इंडिविजुअल में क्या बनाएंगे, 46. अगर मियोसिस ना होती, माइटोसिस होती, माइटोसिस में क्या रहते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं. तो 46 इसमें है, तो इधर भी 46 आते, मदर से भी और फादर से भी 46 आते. तो ये तो 92 बन जाने थे क्रोमोसोम्स. तो क्या मदर और फादर क्रोमोसोम चेंज हो जाने थे, नहीं, ह्यूमन बींग में होते ही 46 हैं. तो ये मियोसिस की एक सबसे इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को हाफ करके नेक्स्ट आने वाली जनरेशन में भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को क्या रखते हैं, मेंटेन रखते हैं. ये मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम इन नेक्स्ट जनरेशन है. जो भी अगली आने वाली जनरेशन होती है उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं. ठीक है, जो नया डॉटर सेल बना उसमें भी क्या होंगे, 46. अब ये होगी बात एनिमल्स की. ठीक है, अगर हम करते हैं प्लांट्स की बात, प्लांट्स अपना लाइफ साइकिल कैसे चलाते हैं. प्लांट्स में जो मियोसिस होती है, उस प्रोसेस मियोसिस और माइटोसिस के प्रोसेस से जो वो प्रोड्यूस होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन जनरेशन को हम कहते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. कि जनरेशन को ऑल्टरनेट करते हैं. कैसे ऑल्टरनेट करते हैं, ये देखें, ये इनकी लाइफ साइकिल में दो जनरेशन्स होती हैं. एक होती है स्पोरोफाइट, एक होती है गेमेटोफाइट. दो जनरेशन्स होती हैं, एक को कहते हैं स्पोरोफाइट जनरेशन और दूसरे को क्या कहते हैं, गेमेटोफाइट. जो स्पोरोफाइट होती है ना, वो डिप्लॉयड होती है. डिप्लॉयड का क्या मतलब है कि उसमें क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, पेयर की फॉर्म में होते हैं. वो मियोसिस के थ्रू डिवाइड करती है,
म्योसिस के थ्रू डिवाइड करके हैप्लोइड स्पोर बनाती है, हैप्लोइड स्पोर बनाती है जो कि 1N होते हैं, ठीक है। ये हैप्लोइड स्पोर क्या बनाते हैं, हैप्लोइड गैमीट्स बनाते हैं, क्या बनाते हैं, हैप्लोइड्स गैमीट्स बनाते हैं, जिस गैमीट्स वाली जनरेशन को हम क्या कहते हैं, गैमेटोफाइट, ठीक है। अब ये क्या है, हैप्लोइड गैमीट्स हैं, ये दूसरे गैमीट्स के साथ, ये एक पेरेंट है ये दूसरे पेरेंट के साथ मिलके दोनों हैप्लोइड मिलेंगे विद द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस, मिलके क्या बना देंगे, ये दोबारा क्या बना देंगे, डिप्लॉयड, डिप्लॉयड स्पोर्स बना देंगे, ठीक है। ये क्या बना देंगे, डिप्लॉयड स्पोर्स बना देंगे, यहाँ पे ये क्या बनाते हैं, हैप्लोइड्स गैमीट्स बनाते हैं। ये हैप्लोइड्स गैमीट्स क्या होती हैं, गैमेटोफाइट जनरेशन बनाते हैं, गैमेटोफाइट हैप्लोइड होती है, ये दो दूसरे पेरेंट से मिलकर माइटोसिस के थ्रू क्या बना देते हैं, दोबारा डिप्लॉयड स्पोर बनाते हैं, फिर ये डिप्लॉयड स्पोर मियोसिस से डिवाइड करके हैप्लोइड गैमीट्स बनाते हैं, और इस तरह ही इनका क्या होता है, लाइफ साइकिल चलता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, के जनरेशन को ऑल्टरनेट करते हैं, कि डिप्लॉयड स्पोरोफाइट जनरेशन गैमेटोफाइट बनाती है, गैमेटोफाइट दोबारा माइटोसिस से डिवाइड करके क्या बनाती है, स्पोरोफाइट बनाती है। तो इस तरह ये है, और एक बात याद रखनी, मियोसिस हमेशा सिर्फ डिप्लॉयड सेल में होती है, मतलब डिप्लॉयड सेल में क्या होते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेयर की फॉर्म में होते हैं। तो मियोसिस का क्या मतलब है, हाफ क्रोमोसोम जाएंगे, जब पेयर की फॉर्म में होंगे तभी तो वो हाफ आगे ट्रांसफर होंगे। माइटोसिस जो हैप्लोइड सेल है उसमें कभी भी मियोसिस नहीं होती, उसमें सिर्फ हमेशा माइटोसिस होती है, क्योंकि माइटोसिस में क्या होता है, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम जाने होते हैं, तो जितने हैप्लोइड में होंगे वही आगे सारे ट्रांसफर हो जाएंगे, ठीक है। ये होगी इसकी पहली सिग्निफिकेंस। दूसरी इसकी सिग्निफिकेंस है प्रोडक्शन ऑफ वेरिएशन इन द नेक्स्ट जनरेशन। वेरिएशन इन द नेक्स्ट जनरेशन, कि नेक्स्ट जनरेशन में वेरिएशन कैसे आती है, जैसे कि आपने देखा ड्यूरिंग एनाफेस, एनाफेस ये एनाफेस माइटोसिस की और ये केस की है मियोसिस में, तो दोनों में क्या होता है, होता काम एक ही है। अगर एनाफेस में देखा जाए तो यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये लाइन अप हुए होते हैं, ठीक है, मेटाफेस पे। तो एनाफेस में इन्होंने क्या होना होता है, ऑपोजिट पोल्स पर जाना, तो यहाँ पर एक क्रोमेटिड आ जाएगा, यहाँ पे एक क्रोमेटिड आ जाएगा, यहाँ पे एक क्रोमेटिड आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाते हैं, सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। इसी तरह अगर हम एनाफेस वन में देखें, यानी कि मियोसिस वन में देखें, तो उसमें भी यही होते हैं, क्योंकि यहाँ होमोलोगस क्रोमोसोम्स लाइन अप हुए होते हैं जस्ट लाइक दिस, तो जब ये ऑपोजिट पोल से सेंट्रियोल्स आते हैं तो यहाँ से ये सेल हाफ हो जाता है, एक एक पेयर क्रोमोसोम्स का क्या हो जाता है, ऑपोजिट पोल की तरफ चला जाता है। तो यहाँ पे चाहे एनाफेस जिस मर्जी में है, माइटोसिस में या चाहे मियोसिस में है, ठीक है, वहाँ पे क्या होना था, क्रोमोसोम्स की सेपरेशन होनी होती है। तो यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर के बाद जब क्रोमोसोम हाफ इधर चले जाते हैं, हाफ इधर चले जाते हैं, तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, ऑल्टर जनरेशन जो सी है वो वेरिएशन आता है, कि अगली जनरेशन में क्या आती है, वेरिएशन आती है। और जैसे मैंने आपको बताया था करके, क्रोमोसोम्स ये हैं, ये एक क्रोमोसोम का पेयर है, ये दूसरा क्रोमोसोम का पेयर है, जब ये दोनों यहाँ से ओवरलैप होंगे, जब ये दोनों क्रोमोसोम यहाँ से ओवरलैप होंगे तो उसमें क्या होगा, जीन्स की शफलिंग होगी, रीशफलिंग ऑफ जीन्स होंगे, आधे फादर्स के जो क्रोमोसोम होंगे मदर में से इंटरलैप करेंगे, और मदर्स के क्रोमोसोम क्या करेंगे, फादर के इंटरलैप करके एक न्यू इंडिविजुअल बनाएंगे, जो कि बिल्कुल फादर मदर में से ही होगा, लेकिन उनमें क्या, उसमें क्या होंगे, डिफरेंट, उसके अपने नए करेक्टर्स होंगे, ठीक है, उसके अपने नए। तो दैट्स वाई दिस इज़ द रीज़न, कि जो भी अपने जो ऑफ स्प्रिंग्स होते हैं, जो डॉटर्स होते हैं, सन्स होते हैं, वो अपने पेरेंट्स से क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। इवन के सिबलिंग्स भी, सेम पेरेंट्स के बच्चे भी क्या होते हैं, आपस में क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो दिस इज़ द रीज़न कि जो क्रॉसिंग ओवर होती है क्रोमोसोम्स की ऑपोजिट साइड पे, जो मूवमेंट होती है, मूव करके जाते हैं, इसकी वजह से क्या होता है, वेरिएशंस आती हैं, और नेक्स्ट जनरेशन में क्या होती है, वेरिएशन थे, वो डिफरेंट होते हैं अपने पेरेंट्स से। तो ये होगी सिग्निफिकेंस। अब हम आगे पढ़ते हैं कि एरर इन माइटोसिस, एरर इन मियोसिस का क्या मतलब है, एरर इन मियोसिस का मतलब है कि अगर फॉर एग्जांपल ये ड्यूरिंग एनाफेस क्रोमोसोम्स की रीशफलिंग सही ना हो, एरर इन मियोसिस, इसमें दो टर्म है, एक है डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम, एक है नॉन डिसजंक्शन,
ठीक है. डिसजंक्शन की क्या बात है? डिसजंक्शन वो है कि व्हेन नॉर्मली जो होता है कि क्रोमोसोम्स हाफ क्रोमोसोम्स ऑपोजिट पोल पे चले जाते हैं ड्यूरिंग मियोसिस और माइटोसिस के कि क्रोमेटिड ऑपोजिट पोल पे चले जाते हैं. इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिसजंक्शन. ठीक है, ये नॉर्मल बात है. लेकिन अगर किसी वजह से यहाँ पे ये हो कि यहाँ से कनेटोक और फाइबर्स को प्रोटीन ना मिले और ये पूरा क्रोमोसोम्स एक साइड पर चला जाए इंस्टेड ऑफ गोइंग टू क्रोमेटिड, कि क्रोमेटिड जाने के बजाय पूरा क्रोमोसोम चला जाए और यहाँ पर क्या हो, यहाँ पे एक साइड पे एक क्रोमेटिड चला जाए और एक क्रोमेटिड यहाँ पे आ जाए, तो ये क्या आ जाएंगी, वेरिएशंस आ जाएंगी, एबनॉर्मेलिटीज़ आ जाएंगी. इस प्रोसेस एबनॉर्मेलिटीज़ आने को हम कहते हैं नॉन डिसजंक्शन. ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो दो सेल बनेंगे यहाँ पे अगर क्रोमोसोम यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चला गया तो यहाँ पे क्रोमोसोम्स क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे. अगर इस सेल में 46 बनेंगे तो बनने थे नॉर्मल, लेकिन एक क्रोमोसोम यहाँ जाने की वजह से क्या हो जाएगा, 47 हो जाएगा क्रोमोसोम, और यहाँ पे कम होने की वजह से 45 हो जाएंगे. तो नॉन डिसजंक्शन में दो बातें आती हैं, या तो मोर क्रोमोसोम्स आ जाते हैं या क्या आ जाते हैं, लेस क्रोमोसोम्स आ जाते हैं. ह्यूमन बींग में नॉर्मली कितने होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं. तो अगर क्रोमोसोम्स की जो ऑपोजिट पोल पे जाते हैं नॉर्मली डिसजंक्शंस ना हो तो या तो ज़्यादा क्रोमोसोम्स आ जाते हैं या लेस हो जाते हैं. और ये जो आप अक्सर देखते हैं जो गे वगैरह होते हैं इनमें भी यही होता है कि किसी में लेस क्रोमोसोम्स होते हैं और किसी में क्या हो जाते हैं, मोर क्रोमोसोम्स होते हैं. इज दैट क्लियर? तो ये अगेन एरर इन मियोसिस कि जब नॉन डिसजंक्शन होती है एबनॉर्मेलिटीज़ आ जाती है जब क्रोमोसोम्स जो ऑपोजिट पोल पे जाने होते हैं ड्यूरिंग एनाफेस ये होता है, वहाँ जब नहीं जाते तो उनमें क्या आ जाती है, एबनॉर्मेलिटीज़ आ जाती है, उनके क्रोमोसोम्स एक से ज़्यादा हो जाते हैं या एक कम हो जाते हैं, तो फिर वो एक नॉर्मली ह्यूमन बींग की तरह बिहेव नहीं करते हैं, उनका जेंडर ही चेंज हो जाता है, उनके स्पीशी चेंज हो, स्पीशी में तो वो ह्यूमन बींग्स ही रहते हैं बट उनका जेंडर चेंज हो जाता है. इज दैट क्लियर? दिस ऑल अबाउट ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस.